हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रोड विद बाबा। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश। आज हम बात करने जा रहे हैं आस्तिक स्वामी जी के मंदिर के बारे में, जो कि रायबरेली से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर और लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मुख्य द्वार से लगभग 4 किलोमीटर अंदर जाने पर एक गाँव पड़ता है लालूपुर। यह मंदिर वहाँ पर स्थित है। यह है आस्तिक स्वामी जी का मुख्य मंदिर। कहा जाता है कि यदि किसी को सांप काट लेता है तो यहाँ लाने मात्र से उसका उपचार हो जाता है। यहाँ उस मनुष्य को लाकर बाबा जी की भभूत लगाई जाती है और वह ठीक हो जाता है और खुद अपने पैरों पर चल के घर जाता है। आस्तिक स्वामी जी का संबंध महाभारत काल से है। ये एक मुनि थे और सर्पों से इनको वरदान मिला था कि जहाँ पर भी इनका नाम लिया जाएगा वहाँ पर सर्प किसी भी प्रकार की हानि नहीं करेंगे और उस जगह को विषमुक्त कर देंगे। केवल आस्तिक बाबा जी का नाम लेने से ही सांपों से जुड़ी हुई कई प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। आस्तिक स्वामी जी के मंदिर प्रांगण में एक घाट भी स्थित है। यह घाट सई नदी के तट पर स्थित है और लोग स्वामी जी के दर्शन करने से पहले इस नदी में स्नान करते हैं, उसके उपरांत ही प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हैं। और यह है प्रांगण का मुख्य द्वार। प्रांगण के मुख्य द्वार से दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो गणेश जी का एक मंदिर स्थित है। इसी प्रकार इस प्रांगण में कई छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं, जैसे एक यह मंदिर है और इसके ठीक बगल में स्वामी जी का मुख्य मंदिर है, जिसके सामने मनुष्य को लेटाकर उस पर भभूत लगाई जाती है और स्वामी जी का नाम लिया जाता है, जिससे कि उसको सर्प विष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो मंदिर प्रांगण के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे पेड़ पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है ताकि यहाँ का वातावरण अनुकूल और स्वच्छ रहे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने एक मंदिर और स्थित है जो कि शीतला माता मंदिर है। शीतला माता मंदिर के ठीक बगल में अगर देखें तो एक हवन कुंड बना हुआ है और इस हवन कुंड में नागपंचमी के दिन हवन कराया जाता है। शीतला माता मंदिर से कुछ ही दूर पर एक और मंदिर स्थित है जो कि हनुमान जी का मंदिर है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक माता जी का मंदिर भी स्थापित है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और दूर से देखने पर ही यह मंदिर आपको बहुत ही आकर्षित करेगा। और इसके ठीक बगल में अगर देखा जाए तो राम मंदिर की स्थापना भी हो रही है, जहाँ पर बैनर भी लगा है, श्री राम दरबार मूर्ति स्थापना। और इस मंदिर का लगभग कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है। इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप आस्तिक स्वामी जी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।